लेकिन दुखिया को नींद कहां पड़ती। मैया सुनी तो एक आवाज में उठ करके खड़ी हो गई, मगर सोचने लगी है कि आज 6 महीने के बाद इस अंधेरी रात में मेरे हृदय सम्राट हमसे मिलने आए हैं, तो आज कुछ दार में कारो। खोपड़ी को टेक दिया, कहने लगी प्रिया बोधन याद करो, जब मंडप के नीचे तुमने मेरी कलाई पकड़ी थी, हमसे ये कहा था कि दुख और सुख में मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ू। कहने लगा कि बाड़ खोल रही के भाषण दे रही, भक्तो एक दम से दरवाजा खोल दिया, अपने हृदय सम्राट के आने का उद्देश्य को समझ लिया। रानी ने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी पिया आज कैसे डोल पड़े। राजा कौन लगो भगवान से बिने करो बहन, तो मौका निकाल दो, वो तो नकटी एक मिनट गुना पीछे छोड़ दे। भक्तो एकदम से अंगुलियां पकड़ ली, पहली बार वो तुम्हारी चंचल था, वो तुम्हारी मुस्कुरा हवा हो गई है, एक बार मुस्कुरा दो तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध एक बार। I'm not.
कहते सम्राट कजई से इसे लगाई मुस्करा रही थी, ओठों से गाली निकल पड़ी। घड़ियाले ने जब टन 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 चार बार मोंगरी मारी, कहने लगी अरे कमीना घड़ियाल जब घंटा में मोंगरी न मारे, आज की रात और बड़ी हो जाए जब मो जैसी गरीबड़ी की रात है। राजा कहने लगा छोड़ो मेरी कलाई, सुबह हो गया है, अगर नीचे बारी न कटी जगी है तो छप्पर मुंह पे धर के नीचे। भक्तों जिस समय उत्तान बाद अटा से उतर के चले हैं तो रानी ने दोनों पैर छुए, जा फिर कबो मौका निकाली। राजा कौन लोगो भगवान से विनय करो बहने तो मौका निकालो न को आते। भगवान की कृपा उसी रोज रानी सुनीत जो है वो गर्भवती होती है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सिद्धि पर कदम रखा, झपट के दुपट्टा पकड़ लिया, नहीं क्यों स्वादी।